कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मखाने और थोड़ी सी चीनी से आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी और एकदम नए तरीके की बर्फी। सबसे खास बात यह है कि ये बिना घी, बिना मावा, बिना चाशनी के बनकर तैयार हो जाती है घर की बेसिक चीज़ों से, और इसका टेक्सचर काजू कतली से बिल्कुल अलग नहीं है। मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए, बस मुँह में जाते ही घुल जाए, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मज़ेदार। तो झटपट इसे बनाइए, व्रत में भी खा सकते हैं या फिर किसी त्यौहार पर भी। एक बार इस वीडियो को देखेंगे ना तो बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सॉफ्ट सी बर्फी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 300 ग्राम के आसपास मखाने। आपको जितनी बर्फी बनानी हो उस हिसाब से मखाने की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 300 ग्राम के आसपास लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इस रेसिपी में हमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको पूरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो चलिए, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, पैन गर्म है, तो ये पूरा का पूरा मखाना हम इसमें डाल देंगे। आपने जितने भी मखाने लिए हैं उनको हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। लगातार इस तरीके से टॉस करती जाइए जब तक कि मखाने अच्छी तरीके से क्रिस्प ना हो जाएं और थोड़े से गोल्डन ना हो जाएं। तो आप देख सकते हैं मखाने थोड़ी ही देर में क्रिस्प हो जाते हैं। इनको भुनने के लिए हमें घी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मखाने अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। चलिए अब हम इनको निकाल लेंगे, अलग प्लेट में, ज़्यादा देर नहीं पकाना नहीं तो डार्क हो जाएंगे। और अब इनको प्लेट में निकाल कर बढ़िया से ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाए, फिर हम इसको पीसेंगे। ये देखिए, लग रहा है ना बहुत ही मज़ेदार। तो इसको भी साइड में रखते हैं, और सेम पैन में जिसमें हमने मखाने भुने थे बिना घी या तेल डाले, इसमें डाल देंगे आधा कप काजू। तो अगर आपको यहाँ पर काजू पसंद नहीं है या काजू नहीं डालना चाहते हैं तो आप मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं। मूंगफली के दानों को बढ़िया से ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उनके छिलके हटा दीजिए। तो ध्यान रहे, मूंगफली के दाने अगर ले रहे हैं तो उनको धीमी आंच पर भूनिएगा, ताकि वो ज़्यादा जले नहीं और उनका कलर डार्क ना हो, तभी आपकी बर्फी का कलर बिल्कुल काजू कतली की तरह आएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने काजू को अच्छी तरीके से भून लिया है, हल्का सा ही भूनना है, जल्दी ही ये सिक कर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इनके ऊपर हल्के हल्के से स्पॉट्स आने लगे हैं ना, बिल्कुल एकदम तैयार है ये। तो चलिए अब इसको और देर ना करते हुए निकाल लेंगे अलग बर्तन में, और इनको भी पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। काजू हमारे अच्छी तरीके से सिक गए हैं, ये देखिए। और अब लिया है मैंने एक मिक्सी का जार, बढ़िया से साफ और सूखा, इसको अच्छे से पोंछ कर लीजिएगा, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और अब जो मखाने पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं, तो अब ये सारे मखाने डाल देंगे मिक्सी के जार में। और अब इसमें बिना दूध, बिना पानी कुछ भी डाले, हम मिक्सी को पल्स मोड पर रोक रोक कर चलाएंगे और इसका एकदम बारीक सा पाउडर बनाएंगे। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। और ये लीजिए, पाउडर हमारा बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो गया है। आपको लगे कि इसमें छोटे छोटे चंक्स हैं तो दो तीन बार चला लीजिए। ये देखिए, मैंने इनको इसी तरीके से पल्स मोड पर पीस लिया है, एकदम बारीक हो गए हैं। अगर आपसे बारीक ना हो तो आप इसको छन्नी से छान सकते हैं, वापस से जो मिक्सचर बचे उसको वापस से पीस लीजिए। ये देखिए, एकदम आटे की तरह बारीक हो जाता है, क्योंकि अच्छे से भुनेंगे ना उतना ही जल्दी बारीक होगा। तो इसको हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में, थोड़ा सा बड़ी थाली का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि सारे पाउडर हम इसी में तैयार कर सकें। तो ये पाउडर हमारा रेडी है। अब क्या करेंगे, सेम जार में हम डाल देंगे काजू जो हमने भून कर तैयार किया था। लेकिन काजू को पीसने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ और सिर्फ दो या तीन बार ही मिक्सी को चलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चला देंगे तो काजू से ऑयल रिलीज हो जाएगा। और ये देखिए, सिर्फ मिक्सी को दो या तीन बार मैंने चलाया है, और ये देखिए अच्छे तरीके से ये बारीक हो गए हैं। सेम इसी तरह अगर आपने मूंगफली के दाने पीस रहे हैं तो उनको भी पल्स मोड पर ही चलाइएगा, नहीं तो मूंगफली के दाने भी ऑयल रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ मैं काजू का सारा पाउडर इसी पाउडर के साथ ऐड कर दूंगी, अच्छे तरीके से बारीक कर लिया है मैंने। अगर आपको लगे इसमें चंक्स हैं तो इसको आप मोटी छन्नी से छान भी सकते हैं। तो ये दोनों पाउडर तैयार हो गए हैं। इसमें एकदम बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन नारियल के बुरादे से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये मैंने इतने सारे पाउडर के लिए आधा कप लिया है, और नारियल के बुरादे को भुना नहीं है मैंने, नहीं तो बर्फी का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। अब इन तीनों पाउडर को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप तीनों की जो रेशियो है उसका ध्यान रखिएगा, मतलब तीनों पाउडर यानी मखाना, काजू और नारियल के बुरादे का रेशियो जो है वो आप ध्यान रखिएगा। मखाने ज़्यादा होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें कम। तो यहाँ देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है, इसमें कोई भी चंक्स छोटे बड़े नहीं रह गए हैं, बढ़िया से मिक्स हो गया है।
तो चलिए अब बिना घी या मावा डाले हम इसकी बनाएंगे एकदम सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी मज़ेदार सी बर्फ़ी। उसके लिए क्या करना है, हमें लेना है सेम पैन जिसमें हमने सारी चीज़ों को भून करके तैयार किया था ना, वही पैन को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और अब इसमें डालेंगे लगभग 2 कप के आसपास दूध। दूध आप कोई से भी ले सकते हैं, टोन मिल्क हो या फिर फुल क्रीम हो। मैं यहाँ पर आपको प्रेफर करूँगी कि आप फुल क्रीम मिल्क ही लीजिएगा। अब यहाँ पर डालेंगे 4 से 5 बड़ा चम्मच चीनी। आप चाहें तो मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हेल्दी बना रहे हैं तो यहाँ पर चीनी के बजाय मिश्री का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चीनी और दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि बढ़िया से घुल न जाए, और हमें पाउडर मिलाने के लिए दूध को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। यहाँ पर मैंने पतले वाले दूध का इस्तेमाल किया था, तो इस दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। सिर्फ और सिर्फ 3 बड़ा चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और ये गरम गरम जो दूध है इसको इसमें डालेंगे और अच्छी तरीके से घोल लेंगे। स्लरी नहीं रहनी चाहिए, अगर आप गरम दूध में ये पाउडर डालेंगे ना तो गांठें पड़ सकती हैं, इसलिए अलग कटोरी में मिला कर फिर डालें। और अगर आपने मिल्क जो है वो, यानी जो दूध है वो फुल क्रीम लिया है, तो आपको मिल्क पाउडर भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर हम डालते जाएंगे और दूध को अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो हमारा पतला सा दूध है वो एकदम फुल क्रीम की तरह काम करे। और अब इनको धीमी आंच पर लगभग 2-3 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि जो मिल्क पाउडर हमने डाला है वो बढ़िया से कुक हो सके। और जैसे ही अच्छे से उबलने लगेगा हम फ्लेम को थोड़ा कम करेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 इलायची। हल्का सा कूट करके लिया है, अगर आपको इलायची का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप कोई भी एसेंस या फ्लेवर डाल सकते हैं, या फिर नारियल की खुशबू के साथ में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अब इस उबलते हुए दूध का टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा कम करके इसको थोड़ा सा गुनगुना जैसा कर लिया है। दूध, इस पाउडर को डालते समय दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुठलियाँ ज़्यादा पड़ सकती हैं। मैंने दूध को हल्का गुनगुना रखा है, थोड़ा थोड़ा करके हम ये पाउडर जो हमने तैयार किया था मखाने, काजू और नारियल के बुरादे से, इनको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ना हो तो आप इस टाइम पे जब आप मिक्सर को मिलाएं तब आप या तो फ्लेम को बंद कर दें या फिर कम कर दें। तो यहाँ मैंने फ्लेम को कम कर दिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस मिक्सर को और अच्छी तरीके से मिलाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा मिक्सर डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये बहुत ही गीला गीला सा दिख रहा है, लेकिन तुरंत ही ये एकदम गुथे हुए आटे की तरह हो जाएगा, एकदम पैन को अलग से छोड़ने लगेगा। तो यहाँ हम कोई भी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आपको पसंद हो या अच्छा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें घी डालने की। अच्छी तरीके से इसको मिलाएंगे धीमी आँच पर। ये देखिए एकदम स्मूथ होना चाहिए ये मिक्सचर, इसलिए इस तरीके से स्पैचुला का यूज़ करेंगे तो अच्छी तरीके से ये मैश होगा और अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया स्मूथ हो जाएगा। आप इस बर्फ़ी को त्योहारों में भी बना सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं ऐड की है जो आप व्रत में नहीं खा सकते। तो आप इनको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी और बहुत बहुत टेस्टी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, आसानी से बन भी जाते हैं, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए मिक्सर हमारा एकदम बढ़िया स्मूथ हो गया है, फ्लेम को हमने कम ही रखा है। इनको तब तक मिलाते रहेंगे जब तक ये पैन को पूरी तरीके से छोड़ने ना लगे। आप खुद ही देखेंगे जो चिपचिपापन है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा और ये बिल्कुल भी पैन से या स्पैचुला से चिपकेगा नहीं, लेकिन लगातार चलाते रहेगा धीमी आंच पर, ये बिल्कुल भी डार्क नहीं होना चाहिए कहीं से भी। ये देखिए अच्छी तरीके से ये बढ़िया से गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो अब फ्लेम को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और अब इसको इसी तरीके से हम और भुनेंगे। आप देखिए ये पैन को बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, ना ही स्पैचुला में चिपक रहा है, एकदम गोल साइज़ में हो गया है, थोड़ा सा हार्ड भी हो गया है। तो अब बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है इस गैस का फ्लेम बंद करने की और इसको हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक थाली ले ली है, आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा घी या फिर बटर पेपर डाल सकते हैं, मैं इस थाली में भी घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और अब क्या करेंगे, डाल देंगे हमारा ये तैयार किया हुआ बर्फ़ी वाला मिक्सचर। आप किसी भी ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर थाली में इसे जमाऊंगी क्योंकि घर में सबके घर में थाली होती है। तो जितने भी पतली आपको ये बर्फ़ी बनानी है या मोटी बनानी है उस हिसाब से इस स्पैचुला की मदद से आप इसको फैला लीजिए। ये देखिए तो इस थाली में जितना आ रहा है मैं उस हिसाब से इसको थिक कर लूँगी और अच्छे तरीके से एक बराबर कर लेंगे। अब इसको गार्निश करने के लिए आप चाहें तो सिल्वर फॉइल लगा सकते हैं या फिर अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स काट करके इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में पिस्ता काट करके लिया है, आप बहुत बारीक भी कर सकते हैं, और इनको हम इसके ऊपर ही अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और अभी ये मिक्सर गरम गरम है तो हम लगाएंगे ताकि जो पिस्ता है वो बढ़िया से इसके अंदर चिपक जाए। तो हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से दबाएंगे और अब इसको या तो प्लेटफॉर्म पे छोड़ दें या फिर फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें। बर्फ़ी बहुत ही आसानी से और जल्दी ही सेट होकर तैयार हो जाएगी और बिना थाली को ग्रीस किए ये आसानी से निकल भी जाएगी।
आधे घंटे तक मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था और आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं बर्फ़ी पूरी तरीके से सेट हो गई है, अच्छे तरीके से जम गई है। तो चलिए अब इसके छोटे छोटे टुकड़े हम काट करके तैयार कर लेंगे। जैसे आपको मनपसंद आपको अच्छा लगे वैसे आप इसके जो स्क्वायर्स हैं वो काट सकते हैं, तिकोने भी काट सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और ये देखिए आसानी से निकल जाते हैं, एकदम स्मूथ है ना। चलिए हम इनको निकाल लेते हैं और प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए थोड़े से केसर के धागों से मैंने इनको गार्निश कर लिया है, लग रही है ना एकदम शानदार। तो आपको जैसे पसंद आए आप इनको गार्निश कर सकते हैं, प्लेन भी रख सकते हैं बिना ड्राई फ्रूट की। और लीजिए तैयार है एकदम मज़ेदार सुपर सॉफ्ट सुपर हेल्दी हमारी ये काजू कतली वाली एकदम मज़ेदार मखाने वाली बर्फ़ी। तो देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखिए, बस हल्का सा हाथों से दबाते ये टूट जाते हैं, ये देखिए है ना बहुत ही मज़ेदार। तो बिना खर्चे का एकदम कम चीज़ों से इतनी आसान और इतनी बढ़िया मिठाई बन रही हो तो बाज़ार से क्यों लाना, एक बार ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि रोज़ आपके पास एक नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऐसी और भी नई नई मिठाइयों की रेसिपी के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जाकर जरूर से ट्राई कीजिए, आपको सारी रेसिपीज बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए इन्जॉय कीजिए, ज़रूर से बनाइए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।